तो आपने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में एक जुमला तो जरूर सुना होगा कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। लेकिन अगर आपको इस लाइन का कहें या फिर इस जुमले का उदाहरण देखना है, अगर आपको इस बात का प्रमाण देखना है कि आखिर इसका मतलब होता क्या है, तो आपको कल का मैच देखना चाहिए था। जी हाँ, आपको कल का मुंबई और CSK का मैच देखना चाहिए था, क्योंकि जब बात आती है दुनिया झुकाने की, या फिर कहूं जब बात आती है दुनिया के झुकने की, तो ये जो कमबख्त दुनिया है ना, ये सिर्फ एक इंसान के सामने झुकती है जिसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। और जैसा मैंने कहा कि अगर आपने कल का मुंबई वर्सेस CSK मैच देखा होगा, तो इस बात के आपको कई उदाहरण मिले होंगे। अब यहां पे आप सोच रहे होंगे कि यार कल तो MS धोनी ने बैटिंग भी नहीं करी, कल तो MS धोनी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिस बारे में बात की जाए। तो किया है भाई, बिल्कुल किया है। इसीलिए मैंने कहा ना कि उस इंसान को देखो, कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वो अगर खड़ा है तो दुनिया को नतमस्तक होना ही पड़ता है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि कल के ही मैच के मैं आपको कुछ ऐसे इंसिडेंट बताने वाला हूं जो एग्जैक्टली कैमरा पे तो कैप्चर नहीं हुए, लेकिन फिर भी उस मैदान पे जो बहुत सारे कैमरा मौजूद थे, जो भले ही कैमरा आपको टीवी पे नहीं दिख रहे थे, लेकिन उन कैमरों ने भी कुछ ऐसा कैप्चर किया जो आपको भी देखना ही देखना चाहिए। अब देखिए, जैसा मैंने कहा कि भले ही कल के मैच में MS धोनी बैटिंग के लिए नहीं आए थे, क्योंकि हमें पता है कि अगर MS धोनी बैटिंग के लिए आते तो किस तरीके का माहौल बनता। हमने बीते हुए दो मैचों में देखा है कि जैसे धोनी उन सीढ़ियों से नीचे चलना शुरू ही करते हैं, पूरी जो गूंज भर जाती है मैदान पे, वो गूंज बस एक ही आवाज कह रही होती है, धोनी धोनी। लेकिन कल के दिन ऐसा नहीं हुआ, पर फिर भी कुछ ऐसा हुआ जो आपको देखना ही देखना चाहिए। मैच शुरू होने से पहले जब MS धोनी यूं ही पहली बार वानखड़े में एक लंबे समय बाद प्रैक्टिस करने के लिए आए थे, तो देखा जाता है कि जैसे जैसे धोनी सीढ़ियों से नीचे उतर के मैदान की तरफ बढ़ रहे थे, तो वहां पे आसपास जितने भी दर्शक बैठे होते हैं वो घूम के अपने आइडल की तस्वीर निकालने लगते हैं। मैं जानता हूं कि इस तस्वीर में शायद आपको कुछ खास ना लगे, लेकिन खास आपको इसलिए लगेगा क्योंकि आपको लगेगा कि ये तो यार हर मैदान में होता है। पर चलिए आपको एक और बात बताता हूं, आपको मैं कल के ही मैच से एक ऐसी फुटेज दिखाने वाला हूं जिसके बाद से आप फिर से यही कहने लगेंगे कि यार जो ये IPL चल रही है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। क्योंकि कल के मैच में जब CSK एकदम जीत की कगार पे पहुंच चुकी थी, तो तभी जो कैमरा होता है वो थोड़ी देर के लिए MS धोनी पे जाता है और लोगों को देखने को मिलता है कि जो MS धोनी है वो पैड अप हो रहे हैं, वो तैयार हो रहे हैं बैटिंग करने आने के लिए। और तभी पूरे मैदान में बस एक ही शोर मच रहा होता है, वी वांट धोनी, वी वांट धोनी, वी वांट धोनी। दो पल के लिए किसी को ये लग ही नहीं रहा होता है कि ये जो मैच हो रहा है ये मुंबई के वानखेड़े में हो रहा है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो धोनी है वो सिर्फ चेन्नई का हीरो नहीं है, वो पूरे देश का हीरो है। अब इसी से रिलेटेड एक और बात सामने आती है कि जैसा मैंने कहा कि होने को तो जो ये मैच हो रहा था वो वानखेड़े में हो रहा था, लेकिन फिर भी कल के दिन IPL इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि जिस टीम का वो होम ग्राउंड नहीं है, उसके बावजूद भी उसके सपोर्टर उस मैच में होम ग्राउंड की टीम से ज्यादा थे। जी हां, कल के मैच में जो चेन्नई के सपोर्टर्स थे वो मुंबई के सपोर्टर्स से कई ज्यादा थे। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो मैंने आपको कुछ दिखाया ही नहीं है। कल के मैच में एक ऐसी चीज भी घटी जिसे आप देखेंगे तो जैसा मैंने कहा आप ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि धोनी एक ही था, एक ही है और हमेशा एक ही रहेगा। पर वो देखने से पहले बारी हमारे आज के ट्रेगो प्रेडिक्शन की, जहां पे हम सिर्फ यस या नो करके पैसा छापते। तुमको पता ही है भाई, सिर्फ यस या नो करके जी हाँ इतनी आसानी से पैसे बनाते हैं। और जहां बात आती है आज के क्वेश्चन की, तो पहला मैच होना है गुजरात और KKR का, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि क्या गुजरात यहां पे KKR से जीतेगी। और दूसरा क्वेश्चन उसी मैच में ये है कि क्या जो गिल हैं वो 30+ का स्कोर करेंगे। तो देखो दोनों ही क्वेश्चन मुझको यहां पे यस लग रहे हैं, क्योंकि गुजरात भैया जीतने की आदत डाल चुकी है और वहीं पे जो गिल हैं भैया बहुत ही आसानी से रन मार रहे हैं, तो दोनों ही क्वेश्चन पे मैंने यहां पे यस कर दिया है। अब जहां बात आती है दूसरे मैच की, जो खेला जाना है पंजाब और SRH के बीच,
तो यहां पे भी क्वेश्चन है कि क्या जो पंजाब है वो एसआरएस से जीतेगी और क्या जो धवन है वो 30 प्लस का स्कोर करेंगे। देखो पंजाब जीतेगी या नहीं जीतेगी मैं यहां पे थोड़ा डाउटफुल हूं, लेकिन वहीं पे मैं ये श्योर हूं कि जो धवन है वो 30 प्लस तो 100% मारेंगे। तो यहां पे मैंने भैया 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिए, जो कि बहुत ईजी इन्वेस्ट करना, बस रेट और क्वांटिटी सेलेक्ट करो, इन्वेस्ट करो। अगर भैया धवन ने 30 के ऊपर रन मारे तो पैसा ही पैसा बाबू भैया। बाकी अगर अभी तक तुमने ट्रेगो पे अपना फर्स्ट रिचार्ज नहीं कराया है तो भाई मूर्खता कर रहे हो। फर्स्ट रिचार्ज पे 20% का कैशबैक मिल रहा है भाई, कितनी बार बताऊं। बाकी जैसा कि तुमको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ट्रेगो पे अब लीडर बोर्ड भी शुरू हो चुका है, जहां पे टॉप 3 लोगों को थाईलैंड की ट्रिप मिल रही है और बाकी लोगों को बड़े बड़े कैश प्राइजेस मिल रहे हैं। तुम उन टॉप 10 लोगों का रेफरल कोड भी देख सकते हो। तो भाई तुम किस चीज का वेट कर रहे हो, अभी जाओ डिस्क्रिप्शन और प्रिंट करने में दिए हुए लिंक से ट्रेगो ऐप को डाउनलोड करो, साइन अप करो और मेरा प्रोमो कोड यूज करो JOSHI25, जिससे तुमको ₹25 का बोनस इंस्टेंटली मिल जाएगा, जिससे तुम खेलना स्टार्ट भी कर सकते हो। बाकी बिल्कुल मत सोचो भाई, एकदम सेफ है, सिक्योर है, लीगल है, बहुत ही आसानी से विड्रॉ हो जाता है UPI के थ्रू भाई। तो क्या सोचना, अभी जाओ ट्रेगो ऐप को डाउनलोड करो और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि वहां पे चलते हुए मैच के दौरान मैं सारे क्वेश्चंस डालता रहता हूं जो ट्रेगो पे लाइव होते हैं। तो वहां से भी जाके तुम यस या नो कर दोगे, भले ही तुम मैच नहीं देख रहे होगे तो भी भैया पैसा ही पैसा होगा। तो बिल्कुल ही वेट मत करो, इसलिए मैं कह रहा हूं अभी जाके ट्रेगो को डाउनलोड करो और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। तो वापस चलें अपनी स्टोरी पे। तो यार देखो, तुमने कई बार ये नोटिस करा होगा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस बात पे डिबेट करते रहते हैं कि जब बात IPL की आती है तो धोनी बेस्ट कैप्टन है या फिर रोहित शर्मा बेस्ट कैप्टन है, क्योंकि रोहित शर्मा ने जहां 5-5 IPL जीती हैं तो वहीं MS धोनी ने 4 IPL जीती हैं। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, तुम्हारे हिसाब से IPL का ऑल टाइम बेस्ट कैप्टन MS धोनी है या फिर रोहित शर्मा, कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन आज मैं इस डिबेट का अंत करने वाला हूं, आज मैं आप सभी को इस बात का जवाब देने वाला हूं कि IPL का सबसे बेस्ट कैप्टन MS धोनी है या फिर रोहित शर्मा। और ये जो जवाब है ये असल में मैं नहीं दे रहा हूं, ये जो जवाब है ये हमारे देश की जनता ही देगी। देगी क्या, कल के मैच में दे ही दिया। अगर आपने कल का मैच लाइव देखा होगा तो जब CSK की बैटिंग चल रही होती है और CSK का स्कोर होता है 91 रन पे 2 विकेट, उस वक्त स्क्रीन पे एक क्वेश्चन सामने आता है जिसमें पूछा जाता है कि IPL की अगर ऑल टाइम प्लेइंग 11 बनेगी तो उसके कप्तान रोहित शर्मा होंगे, महेंद्र सिंह धोनी होंगे या फिर कोई और होगा। तो आपको सुनके बिल्कुल भी शॉक नहीं लगेगा कि इस सवाल के जवाब में जितने वोट रोहित शर्मा को मिले थे वो थे 16% और जितने वोट MS धोनी को मिले थे वो थे 74% और वहीं पे जितने वोट अदर्स को मिले थे वो थे 10%। देखो मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी कि रोहित शर्मा को इतने कम वोट मिलेंगे, क्योंकि यहां पे जो बात हो रही है वो IPL की हो रही है और जब बात IPL की आती है तो रोहित शर्मा ने देखो अच्छी कैप्टेंसी तो करी है, भले MS धोनी के लेवल की ना करी हो लेकिन अच्छी तो करी है। लेकिन फिर भी ये जो पोल है ये इस बात की गवाही है कि MS धोनी क्या चीज है। और देखो मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर इसी पोल में MS धोनी की जगह किसी भी कप्तान का नाम होता तो रोहित शर्मा इस पोल को जरूर जीत जाते, लेकिन जब बात MS धोनी की आती है तो कर भी क्या सकते हैं, हर कोई बेबस हो जाता है। अब इससे थोड़ा आगे बढ़े तो कल के दिन हमें एक बहुत ही शानदार इत्तेफाक भी देखने को मिला। तो अगर आपने कल का मैच लाइव देखा होगा या फिर कल के मैच की हाइलाइट्स भी देखी होंगी तो आपको पता होगा कि कल के दिन रविंद्र जडेजा ने कैमरून ग्रीन का एक बहुत ही शानदार कैच पकड़ा था और वो जो कैच पकड़ा था वो सिर्फ और सिर्फ रविंद्र जडेजा ही पकड़ सकते थे। जब कैमरून ग्रीन ने अपनी पूरी ताकत से बॉल को मारा था और जडेजा ने भी बिना कुछ देखे अपने हाथ को जस्ट ऊपर कर दिया था और बॉल आके जडेजा के हाथ में चिपक गई थी। इवन जडेजा ने भी कहा था कि वो एक ब्लाइंडर था, उसमें कोई मेरी बहुत बड़ी स्किल नहीं थी। लेकिन जब से जडेजा ने ये कैच पकड़ा है तब से MS धोनी का 10 साल पहले किया हुआ एक ट्वीट वायरल हो रहा है, जहां पे MS धोनी ने लिखा था कि अगर फील्ड पे कहीं भी जडेजा खड़े हो तो जो बॉल होती है उसकी तरफ जडेजा को नहीं जाना होता है, बल्कि बॉल खुद आके जडेजा के हाथों में चिपक जाती है। और जैसा कि कल हम सब ने देखा कुछ वैसा ही हुआ। इससे भी आगे बढ़े तो हमें कल के दिन एक और शानदार मोमेंट देखने को मिला, लेकिन इस मोमेंट को शानदार बनाने के पीछे का जो क्रेडिट है वो अकेले MS धोनी का नहीं है, क्योंकि कल के दिन एक लंबे समय बाद हमें वानखेड़े के मैदान पे भारत के दो सबसे बड़े लेजेंड देखने को मिले। पहले तो थे MS धोनी और दूसरे थे गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। इससे भी आगे जाएं तो अब मैं आपको बताता हूं कल के दिन का लास्ट MS धोनी मोमेंट, या फिर कहूं कल के मैच का लास्ट सबसे जबरदस्त मोमेंट। जब मैच खत्म होने के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन भी खत्म हो गई थी और उसके बाद जब MS धोनी अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे तो वहीं पे जो ग्राउंड वर्कर्स थे वो धोनी से जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि
क्या प्लीज हम आपके साथ एक फोटो खिंचा सकते हैं। और जो धोनी होते हैं वो बिना एक बार भी कंप्लेन किए, बिना एक बार भी मना किए सीधे कहते हैं बिल्कुल फोन लाओ फोटो खींची जाए। और MS धोनी के साथ फोटो खिंचाने की खुशी को आप इनके चेहरे पे साफ साफ देख सकते हैं। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, जैसा कि मैंने आप लोग से सवाल किया कि अगर आपके पास मौका होता IPL की ऑल टाइम प्लेइंग 11 बनाने का तो आपकी टीम के कप्तान रोहित शर्मा होते या MS धोनी होते, जो भी वीडियो देख रहा है जैसा मैंने कहा कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी जैसा मैंने कहा कि डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दिए हुए लिंक से ट्रेगो ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ही मत भूलना, मेरा प्रोमो कोड यूज करना तो बिल्कुल ही मत भूलना जो कि है Joshi25, जिससे तुम्हें 25 रुपए का बोनस मिल जाएगा, खेलना स्टार्ट कर सकते हो भाई उससे। और जैसा मैं बार बार कहता हूं सिर्फ यस या नो करके पैसा कमाने का इससे आसान तरीका कुछ हो ही नहीं सकता है। और ऊपर से तुम्हारा भाई हेल्प कर रहा है ना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसे याद से ज्वाइन कर लो, जहां पे मैच से पहले कह लो मैच के दौरान कह लो सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, वहां से भी जाके अगर तुम यस या नो करते रहोगे तो मैच खत्म होने तक पैसा ही पैसा बाबू भैया। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक दो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के भी चैनल सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।